विचारा भी न्याय से। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का क्या उद्देश्य है? तो आंसर है धारा 10 विचाराधीन न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य दो समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को एक ही समय एक ही विवादग्रस्त विषय के संबंध में दो समांतर वादों के परीक्षण पर रोक लगाना है। यानी धारा 10 कहता है कि विचाराधीन न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य दो समवर्ती यानी दो समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों को एक ही समय क्या दो समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों को एक ही समय एक ही विवादग्रस्त विषय के संबंध में दो समांतर वादों का परीक्षण पर रोक लगाना है। ठीक। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा कौन सी विधि प्रतिपादित करती है? तो आंसर है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 वादों को रोधन यानी धारा 10 वादों को रोकना को प्रतिपादन करती है, स्टे ऑफ सूट। विचाराधीन न्याय धारा 10 के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? धारा 10 के आवश्यक निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं, क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो बहुत आवश्यक शर्तें हैं, क्या कहता है, दो वादों का समवर्ती न्यायालय में विचाराधीन हो, दो वादों का समवर्ती न्यायालय में विचाराधीन हो, दोनों वादों में पक्षकार वही हो या उनके हित प्रतिनिधि हो, क्या हो, हित प्रतिनिधि हो। तीसरा कहता है पश्चातवर्ती वाद में विवादक विषय प्रत्यक्ष और सार्थक वही हो जो पूर्ववर्ती वाद में हो। चौथा कहता है जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद लंबित हो तथा पश्चातवर्ती वाद अनुत्तर देने में सक्षम हो, पश्चातवर्ती वाद अनुत्तर देने में सक्षम हो तब पश्चातवर्ती वाद का विचार तब तक के लिए स्थगित हो। ये चार बातें हैं। पहले क्या, आप पहले ध्यान से देख लीजिए कि दो वादों का समवर्ती न्यायालय में विचाराधीन हो, ठीक, दोनों वादों में पक्षकार वही हो या उनके हित प्रतिनिधि हो, ठीक। तीसरा कहता है पश्चातवर्ती वाद विवादक विषय प्रत्यक्ष और सार्थक वही हो जो पूर्ववर्ती वाद में हो। चौथा कहता है जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद लंबित है वो पश्चातवर्ती वाद में अनुतोष देने में सक्षम हो तब पश्चातवर्ती वाद का विचार तब तक ही स्थगित कर दिया जाएगा जब तक पूर्ववर्ती वाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, ठीक। धारा 10 वाद का विचार स्थगित करती है या वाद संस्थित करने से रोकती है? तो उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 10 पश्चातवर्ती वाद के विचार को स्थगित करने का उपवन है न वाद को संस्थित करने को रोकना, यानी वाद संस्थित करने से रोकता नहीं है, ये विचार का को स्थगित करने का उपवन है, ठीक। सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 10 में विचाराधीन न्याय की प्रकृति कैसी है? तो आंसर है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 अज्ञापक प्रकृति की है और सभी शर्तों को पूरी होने पर न्यायालय इसे मानने के लिए बाध्य है। धारा 10 के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद की कार्रवाइया का स्थगन कब किया जा सकता है? तो आंसर है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद की कार्रवाइया का स्थगन वाद के किसी प्रक्रम पर किया जा सकता है। क्या धारा 10 विचाराधीन न्यायालय के अवेलना से पारित की गई डिग्री सुनोगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 की कार्यवाही प्रक्रियात्मक है, अतः इसका निष्पादन किया जा सकता है। क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 की कार्यवाही एक जो है प्रक्रियात्मक है और अतः इसका निष्पादन किया जा सकता है। क्या वादी द्वारा धारा 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को खारिज होने पर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? तो नहीं, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 10 ऐसे अधिकार प्रदत्त नहीं करता है।
यदि ऐसे आदेश निरीक्षण हो सकेगा क्योंकि ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्या धारा 10 का प्रावधान न्यायालय को अंतर्वर्ती आवेदन ग्रहण करने से रोकती है? तो आंसर है नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 10 के प्रावधान किसी न्यायालय को अंतर्वर्ती आवेदन ग्रहण करने से नहीं रोक सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 10 में विचारण की संकल्पना किस प्रकार के वादों पर लागू होती है? तो उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 10 विचारण की संकल्पना केवल नियमित समान वादों पर लागू होती है। क्या संहिता के धारा 10 के उपन्द विदेशी न्यायालय में वाद के लंबित होने के दौरान भारत में उसी मामले के किसी पक्षवर्ती कार्यों पर लागू होती है? उत्तर नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के स्पष्टीकरण के अनुसार यदि पूर्ववर्ती वाद किसी विदेशी न्यायालय में संरक्षित किया गया है तो धारा 10 का प्रावधान लागू नहीं होगा। अब हम देखते हैं रेजुडिकेटा यानी प्राणन्याय। प्राणन्याय से कहां परिभाषित किया गया है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में प्राणन्याय को परिभाषित किया गया है। अब प्राणन्याय क्या है? ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राणन्याय क्या है, रेजुडिकेटा क्या है, रेजुडिकेटा क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। लेकिन अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अनुसार कोई भी न्यायालय यानी एनी कोर्ट किसी ऐसे वाद यानी एनी सूट सच एनी सूट का विचारण नहीं करेगा जिसमें वाद के विवादक विषय यो पक्षकार वही है। इतनी बात समझ लीजिए कि धारा 11 के अनुसार यानी कोई भी कोर्ट किसी ऐसे वाद का विचार नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? जिसमें ऐसे वाद के विवादक विषय यूं पक्षकार वही है जो न्यायालय द्वारा पहले निर्णित किया गया हो, जो न्यायालय द्वारा ऑलरेडी निर्णित किया गया हो, जो विवादक विषय डिसाइडेड कर दिया गया हो वही पक्षकार हो तो वो प्रत्यक्ष या सार्थक हो, पहले निर्णित किया हो कैसा हो, वो कैसा नेचर हो, वो प्रत्यक्ष हो सार्थक हो एक समान हो, तो ऐसे को क्या कहा जाता? प्राण न्याय कहा जाता। प्राण न्याय का शब्द कहाँ से लिया गया है? प्राण न्याय एक लेटिन शब्द है जिसे कहा जाता है जुडिकेटा से लिया गया है। प्राण न्याय किन सिद्धांतों सूत्रों पर आधारित है? तो प्राण न्याय का सिद्धांत 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है। तो क्या कहता है आप भूलना नहीं, इंटरेस्ट रिपब्लिक एक्सिट फिनिश लेटियम। इंटरेस्ट रिपब्लिक क्या एक्सिट फिनिश लेटियम, ये राजहित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, ये राजहित में है कि मुकदमेबाजी अंत हो। दूसरा कहता है नेमो डेबिट लेस रसारी प्रो अन्ना एट एडन काजा, किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। रेजुडिकेटा प्रो बेरेटी ओकिपिटम, एक ही निर्णय को अंतिम माना जाएगा। ये 3 जो है इसके सूत्र हैं, तीनों सूत्र रोमन सूत्र हैं। फिर देखते हैं इंटरेस्ट रिपब्लिक की एक्ट लेटियम एक हो गया, नेमो डेबिट लेस रसारी प्रो उन्ना इस एडम काजा 2 हो गया, रेजुडिकेटा प्रो पेरिटेट ओ किपिटर ये 3 हो गया। ठीक, क्वेश्चन कहता है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राण न्याय को दो प्रमुख उद्देश्य, पहले मुकदमेबाजी का अंत हो, पक्षकारों के दोहरे वादावलोकन को बताया हो, तो किस किस में बताया है? उच्चतम न्यायालय ने प्राण न्याय को दो प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। क्या बताए भैया? मुकदमेबाजी का अंत हो, पक्षकारों की दोहरे वाद को रोकने को बताया। तो ये केस का नाम है गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 कुल कितने स्पष्टीकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में कुल कितने स्पष्टीकरण हैं?
तो उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में कुल 8 स्पष्टीकरण। कितनी है? कुल 8 स्पष्टीकरण है। प्राण न्याय के सिद्धांत में सर्वप्रथम किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? तो प्राण न्याय के सिद्धांत सर्वप्रथम इंग्लिश वाद ड्यूचेजेस ऑफ किंगस्टन सर विलियम डी ग्रे ने प्रतिपादित किया गया। प्राण न्याय के सिद्धांत सर्वप्रथम इंग्लिश वाद ड्यूचेजेस ऑफ किंगस्टन ने सर विलियम डी ग्रे ने प्रतिपादित किया था। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में प्राण न्याय सिद्धांत को अनुमोदन किया, अप्रूवल किया, इसकी व्याख्या विस्तृत है। तो उच्चतम न्यायालय ने सत्यचरण बनाम देवराजन 1907 सुप्रीम कोर्ट के वाद में प्राण न्याय सिद्धांत को विस्तृत विवेचना किया है। प्राण न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार प्राण न्याय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्राण न्याय या परलक्षित या आन्वयिक प्राण न्याय। प्राण न्याय लागू होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 प्राण न्याय को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक है। पहले क्या है? दो वाद हो, एक पूर्ववर्ती वाद हो, एक पश्चातवर्ती वाद हो। क्या है? दो वाद हो, एक पूर्ववर्ती वाद हो या पश्चातवर्ती वाद हो। विवाद वस्तु दोनों वाद में प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहे वास्तविक हो और चाहे वास्तविक रूप से आन्वयिक रूप से हो। ये दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के बीच हो या उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच हो। जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद निर्णय दिया गया है उसे पश्चातवर्ती में भी निर्णय देने की सक्षमता हो। पांचवें बात कहता ऐसे पूर्ववर्ती वाद की सुनवाई पश्चात अंतिम रूप से निश्चित कर दिया गया हो। छठी बात कहता है वाद के दोनों पक्षकार ने एक ही स्रोत या एक ही हक के अधीन दावा किया गया हो। पूर्ववर्ती वाद से क्या तात्पर्य है? तो संहिता के धारा 11 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो समय अनुसार प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका हो, चाहे उस वाद में संस्थित किया गया हो या नहीं। धारा 11 के अंतर्गत पुनः वाद से क्या तात्पर्य है? धारा 11 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के संदर्भ में पुनः वाद से तात्पर्य है एक ऐसी कार्रवाई से है जो प्रथम अधिकारता वाले न्यायालय में चल रही है या न कि अपील अधिकारता वाले न्यायालय में। प्राण न्यायालय की सक्षमता क्या है? प्राण न्यायालय सक्षम तब कहा जाता है जब अन्यथा अधिकारता वाला या समर्थ अधिकारता वाले सीमित के अधिकारता वाला हो। किस न्यायालय में सक्षमता की तिथि से निर्धारित होगी? तो आंसर है किसी न्यायालय में सक्षमता का निर्धारण उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि से पूर्ववर्ती वाद संस्थित किया गया है। क्या न्यायालय जिसमें अधिकारता नहीं है उसे प्राण न्याय के सिद्धांत लागू करने का अधिकारता प्रदान की जा सकती है? तो उत्तर है नहीं। किस केस में? इसाबेला जॉनसन बेगम जॉनसन बनाम AMI सुसई AR 1991 सुप्रीम कोर्ट के मामले में विनिश्चय के अनुसार अधिकारता विहीन न्यायालय प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू करके अधिकारता प्रदान नहीं की जा सकती है। किस न्यायालय में सक्षमता पूर्ववर्ती न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त अपीलीय क्षेत्राधिकार को धारित किया होना आवश्यक है? तो उत्तर है नहीं। धारा 11 का स्पष्टीकरण 2 के अनुसार ऐसा होना आवश्यक नहीं है। क्या प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों वाद विषय वस्तु में एकरूपता हो? तो उत्तर नहीं। दोनों वाद की विषय वस्तु में एकरूपता होना आवश्यक नहीं है, अपितु आवश्यक है दोनों वादों में विवाद विषय समता हो। ठीक। क्या प्राण न्याय के लिए सभी विषय का प्रत्यक्ष साक्षात्कार वादग्रस्त होना आवश्यक है? तो उत्तर है हाँ, यह आवश्यक है। कोई प्रत्यक्ष वादग्रस्त कब होता है? तो धारा 11 का स्पष्टीकरण 3 के अनुसार कोई विषय प्रत्यक्ष वादग्रस्त कहा जाता है जब उसका अभिकथन एक पक्षकार द्वारा किया गया हो और दूसरा पक्षकार द्वारा उसे या अभिव्यक्ति के रूप में परिलक्षित रूप से स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। यानी 11 के 3 स्पष्टीकरण के अनुसार कोई विषय प्रत्यक्ष प्रत्यक्षता या सारता वादग्रस्त
वादग्रस्त तब कहा जाता है जब उसका अभिकथन एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया हो, तब एक दूसरे पक्षकार द्वारा या तो अभिव्यक्ति रूप से परिलक्षित रूप से स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। क्या किसी ऐसे विषय जो पश्चातवर्ती वाद संपार्श्विक या अनुसंगिक है तो पाण्याय की प्रयोज होगी? तो उत्तर है नहीं। किसी संपार्श्विक या अनुवांशिक वादग्रस्त विषय पर पाण्याय प्रयोज नहीं होगी, वो पूर्ववर्ती वाद में वादग्रस्त है। तो संपार्श्विक अनुवांशिक अनुसंगिक विवादक क्या है? तो ये एक संपार्श्विक विवादक है, वो जहाँ किसी प्रत्यक्ष सार्वभूत वाद का गौण विवादक होता हो, जो ऐसे प्रत्यक्ष विवादक का निर्धारण करने के लिए सहायक हो। परिलक्षित प्राण्याय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा में दिया गया हो? तो संहिता के धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में है। परिलक्षित अन्वय प्राण्याय क्या है? ये एक ऐसा विषय है जो पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष या कर्मर का आधार बनाया जा सकता था और बनाया भी जाना चाहिए था, किंतु प्रत्यक्ष या कर्मर का आधार नहीं बनाया गया, यह समझा जाएगा कि ऐसे वाद प्रत्यक्ष और सार्थक विवादक रहा। परिलक्षित प्राण्याय के निर्धारण की कसौटी क्या है? परिलक्षित प्राण्याय का के लिए मापदंड यह है कि क्या वाद के पक्षकार को उस विषय पर विवाद अवसर मिला था, और उनके अवसर मिला था तो उस विषय के बारे में ये माना जाएगा कि उस विवाद किया गया था और निर्णय दिया गया था। अब इसी विषय को लेकर पश्चातवर्ती कार्यवाही में उसी तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिलक्षित प्राण्याय के सिद्धांत को फिर भी काउंसिल ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो परिलक्षित प्राण्याय के सिद्धांत को फिर भी काउंसिल ने ग्रीन हॉल बनाम मलई के केस में 1947 में लॉर्ड न्यायाधीश समरबेल ने परिभाषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में परिलक्षित प्राण्याय संबंधित निर्णय देकर इसे भारत को स्वीकार किया? कर्मकार सीपी ट्रस्ट बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में। क्या परिलक्षित प्राण्याय का सिद्धांत लोक हित वादों पर लागू होता है? तो उत्तर हां, धारा 11 का स्पष्टीकरण 4-5 पर लागू होता है। प्राण्याय का सिद्धांत किन किन मामलों पर लागू होता है? प्राण्याय का सिद्धांत विधिक तथ्योगत मामलों के साथ साथ मिश्रित विधिगत तथ्योगत मामलों पर लागू होता है। किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि परिलक्षित प्राण्याय का सिद्धांत सभी प्रकार के रूटों पर प्रयोज्य है सिवाय बंदी प्रत्यक्षकरण के? तो दरियाओं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट के वाद में ये कहा गया है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह उद्धारित किया कि किसी परिलक्षित प्राण्याय का सिद्धांत सभी प्रकार के रूटों पर प्रयोज्य है सिवाय बंदी प्रत्यक्षकरण के? तो दरवाय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट 1961 प्राण्याय प्रयोज्यता के संदर्भ में विशेष सुना जाना के पद से तात्पर्य क्या है? तो किसी विषय सुना जाने का पद का तात्पर्य है कि न्यायालय ने ऐसे प्रतिविधित विषय पर अपने विधिक मास्ती का प्रयोग किया हो तथा तर्कों को सुनकर तथा उनके विचार करने का पश्चात निर्णय दिया हो। यदि कोई अनुदोष जो वाद पत्र का दावा किया गया हो किंतु वो अज्ञप्ति में प्रदान नहीं किया जाता है तो ऐसे लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संहिता के धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 के में यह स्पष्ट लोक का प्रभाव होगा कि ऐसे अनुदोष न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया हो या पश्चातवर्ती वाद का प्राण्याय का प्रभाव रखा गया हो। क्या प्राण्याय सिद्धांत निष्पादन कार्यवाही पर लागू होगा? तो संहिता धारा 11 का स्पष्टीकरण 7 के अनुसार प्राण्याय सिद्धांत निष्पादन कार्यवाही पर लागू है। क्वेश्चन है, यदि किसी विचारक न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया हो जिसकी अपील की जाती हो, अपील न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया हो तो किस न्यायालय निर्णय प्राण्याय पर प्रयुक्त होगा? तो यह आंसर है, यह अपील न्यायालय पर अपीलीय न्यायालय का निर्णय प्राण्याय पर्याय न्याय के रूप में प्रयुक्त होगा। क्या समझौते की डिग्री प्राण्याय के रूप में प्रयुक्त होगी? तो उत्तर नहीं। प्राण्याय की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है कि पूर्ववर्ती वाद में निर्णय गुरु दोष मैट आधारित हो, क्योंकि समझौते में डिग्री में ऐसा नहीं होता है, इस कारण ऐसे डिग्री में प्राण्याय रूप में लागू नहीं हो सकता है। क्या अधिकर्ता के प्रश्न पर एक गलत निश्चय के वाद में पक्षकारों के मध्य प्राण्याय के रूप में प्रयुक्त होगा? उत्तर नहीं। क्या यदि पूर्ण निर्णय के असावधानी के कारण दिया जाता तो प्राण्याय रूप में प्रयुक्त होगा? उत्तर नहीं।
क्या पूर्ववर्तीवाद में दिया गया गलत आदेश न्यायिक रूप में लागू होगा? तो उत्तर हाँ। अमिताभ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड बनाम यूपी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड AIR 1998 AIELD। क्या धारा 11 प्राण न्याय सिद्धांत में सहवादियों के बीच भी प्रयोज्य है? तो उत्तर हाँ। प्राण न्याय वाद में सहवादियों के बीच की वादियों के विरुद्ध प्रयोज्य है यदि ऐसे सहवादियों के बीच पूर्ववाद में दावाकृत अनुतोष के संबंध में विवाद रहा हो। क्या सहवर्तीवाद के बीच में प्राण न्याय प्रयोज्य है? हाँ, प्राण न्याय सहवर्तीवाद के बीच में भी लागू होगी। सावर्तिक बीच में प्राण न्याय कैसे लागू होगी, किन शर्तों पर होगी? तो निम्नलिखित शर्तों पर होगी। पहला, क्या सहपत्वादियों के बीच हितों का परस्पर विरोध हो, सहपत्वादियों के हितों के बीच वादियों को समुचित अनुतोष प्रदान करने हेतु ऐसे विरोध हितों का निश्चय करना आवश्यक है। ऐसे सहपत्वादी पूर्ववर्तीवाद में अवश्य पक्ष का रहा हो, न्यायालय द्वारा सहपत्वादी के परस्पर विरोधी हित का निश्चय हुआ हो। क्वेश्चन कहता है, क्या पत्वादियों के बीच सख्त रूप से पत्वाद होना आवश्यक है? नहीं, केवल इतना ही पर्याप्त है कि उनके हित परस्पर के लिए विरोधी हो। क्या प्राण न्याय औपचारिक रूप से पत्वादी के विरुद्ध प्रयोज्य है? नहीं, क्योंकि ऐसे पत्वादियों के विरुद्ध न तो किसी प्रकार का अनुतोष की मांग की जाती है और न ही वाद के अंतर्गत उसके किसी अनपक्षकारों के बीच कोई विभाजक है। औपचारिक पत्वादी कौन होता है? औपचारिक पत्वादी ये जिस वाद में अंतर्गत नामत का पत्वादी बनाया गया हो। धारा 11 के अंतर्गत सीमित अधिकारता वाले न्यायालय के संदर्भ में कहां से क्या प्रावधान किए गए हैं? तो संहिता धारा 11 का स्पष्टीकरण 8 के में सीमित अधिकारता वाले न्यायालय के लिए ये प्रावधान किए गए हैं कि ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया किसी विवादित विषय पर निर्णय जो उसकी अधिकारता की सीमा या सीमा था या पश्चात्वर्तीवाद में प्राण न्याय रूप में लागू होगा, भले ही पश्चात्वर्तीवाद निर्धारित करने के लिए क्षमता ऐसे सीमित अधिकारता वाले न्यायालय में ना हो। क्या आवश्यक है कि आवेश के विरुद्ध पूर्ववर्तीवाद में डिग्री पास करने पश्चात्वर्ती प्राण न्याय रूप में लागू होगी? तो नहीं, ऐसे डिग्री सुनोगे प्राण न्याय रूप में लागू नहीं होगी। किस परिस्थिति में आवश्यक के विरुद्ध पाए डिग्री पश्चात्वर्ती कार्यों पर लागू होगी? आवश्यक डिग्री जिसमें उसको उचित प्रतिनिधित्व किया गया हो तो उसे संरक्षक नियुक्त होती हो, तो ऐसे रूप में डिग्री आवश्यक ऊपर बंदरकारी होगी तथा पश्चात्वर्ती कार्यों में प्राण रूप में लागू होगी। वो कौन से मामले जो गुरु दोष पर निश्चित नहीं माने जाते हैं जिन पर प्राण लागू नहीं होगी? तो ऐसे मामले होंगे जो क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज होना, वाद हेतु के अभाव में वाद खारिज होना, वाद दोषपूर्ण विचार करना, नोटिस की तामील ना होना, किसी तकनीकी त्रुटि होना, वादी न्यायालय में अनुपस्थित के कारण हो, आदेश 25 नियम 2 के अधीन खारिज होना। क्या हो कि कौन से मामले हैं जो गुण दोष के पर निश्चित नहीं माने जाते हैं और जिन पर प्राण न्याय लागू नहीं होता? तो ऐसे मामले क्या हैं? क्षेत्राधिकार का भाव में वाद खारिज होना, वाद हेतु के भाव में वाद खारिज होना, वाद गुण दोष वाद जो वादी है दोषपूर्ण विचार के कारण, नोटिस की तामील ना होना, किसी तकनीकी में त्रुटि के कारण, किसी न्यायालय में अनुपस्थित के कारण, आदेश 25 नियम 2 के अधीन खारिज किया जाना आदि। कौन से मामले गुरु दोष निरित माने जाते हैं और प्राण न्याय प्रयोज है? तो ऐसे मामले में गुरु दोष निरित माने जाते हैं एक पक्षीय निर्णय या डिक्री, आदेश 17 के नियम 3 के अधीन वाद खारिज होना, सुनवाई के समय वादी द्वारा साक्ष्य पेश करने में असफलता के खारिज के कारण खारिज होना, किसी पंचायत अदालत पर डिक्री या निर्णय। धारा 11 की प्रकृत कैसी है? संहिता की धारा 11 की प्रकृत अज्ञापक है, मैंडेटरी है और इसकी सभी शर्तें पूरी होती हैं तो न्यायालय पश्चात्वर्तीवाद में प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए बाध्य होगा। धारा 11 प्रणाम कैसे बचा जा सकता है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 बचाव के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 का आश्रय लिया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 11 कैसे बचाव किया जा सकता है के तहत जो है बचा जा सकता है। क्या पक्षकार प्राण न्याय तर्क का अधित्याजन कर सकता है? हाँ, पक्षकार द्वारा प्राण न्याय तर्क का अधित्याजन किया जा सकता है क्योंकि धारा 11 प्रक्रियात्मक है। क्या प्राण न्याय तर्क प्रथम द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है?
क्या जो है पार न्याय का तर्क प्रथम या द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है? नहीं, पार न्याय का तर्क प्रथम और द्वितीय अपील में नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यह तथ्य है कि और विधि मिश्रित प्रश्न है, यह तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है। किसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह उदाहरित किया है कि पार न्याय सभी रिट याचिकाओं पर लागू होती है सिवाय बंदी पक्ष के, तो जेके उड्डानी बनाम एस टी शर्मा और दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। किस वाद में कहा गया पार न्याय औद्योगिक विवाद का निर्वाचन के मामले पर लागू होता है? तो वर्कमैन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम मैनेजमेंट हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 1984 सुप्रीम कोर्ट। प्राण न्याय विबंध में क्या अंतर है? तो प्राण न्याय विबंध में निम अंतर है, प्राण न्याय धारा 11 में है और विबंध जो है शासन नियम 215 में बताया। मुख्य अंतर प्राण न्याय किसी व्यक्ति को एक ही वाद ग्रस्त विषय पर दो बार वाद संरक्षित करने से रोकता है, जबकि विबंध व्यक्ति में एक ही समय में एक बात कहने से दूसरे समय में दूसरी विबंध करने की बात को रोकता है। प्राण न्याय विबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राण न्याय का मुख्य उद्देश्य वादों की बोलता को रोकना है, जबकि विबंध का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को प्रतिकूल आचरण से रोकना है। विचाराधीन और प्राण न्याय के मुख्यतः क्या अंतर है? तो विचाराधीन धारा 10 में है, प्राण न्याय धारा 11 में है। मुख्य अंतर यह है कि विचाराधीन न्याय सिद्धांत दो विचाराधीन वादों को किसी पश्चात व्यक्ति वाद और विचार को रोक देती है, जबकि प्राण न्याय में पूर्व वाद गुरु दोष के आधार पर अंतिम रूप से निश्चित हो चुका हो तो पुनः उसी विवाद संबंध पश्चात प्रतिवाद को दाखिल करने से ही रोक दिया जाता है। संहिता की धारा 57 में कौन सी धारा अतिरिक्त वादों को वजन करती है? तो धारा 12 का प्रावधान कहाँ करते हैं? तो 12 के प्रावधान के अनुसार जहाँ वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद की संहिता के आधार पर रोका गया है वहाँ किसी ऐसे न्यायालय जहाँ की वाद संस्थित पर लागू होगी ऐसे वाद हेतु के संबंध में कोई वाद संहिता नहीं किया जा सकता है। संहिता के 12 के अंतर्गत किन मामलों के संबंध में पुनः वाद दाखिल नहीं किया जा सकता? संहिता के 12 के अंतर्गत पुनः दाखिल करने अपोजित है, तो क्या क्या अपोजित है? आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत जहाँ वादी अपने संपूर्ण दावों उल्लेख नहीं किया है वहां से दावे के संबंध में वाद दाखिल नहीं कर सकता है। आदेश जहां आदेश 9 नियम के तहत वाद में चूक के कारण खारिज हुआ है वहां वाद वर्जित है। आदेश 22 नियम 9 के तहत वाद पक्षकार मर गया है या मृत पक्षकार वेद पत्नी अभिलेख के नाम दर्ज न हो तो वाद को उपशमन हो गया हो। आदेश 23 नियम 1 के तहत जहां वादी अपने वाद को वापस ले लिया हो और न्यायालय पुनः वाद दाखिल करने की अनुमति नहीं दी हो। ठीक, जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संहिता के धारा 12 के अंतर्गत किन मामलों के संबंध में पुनः वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। पुनः वाद दाखिल नहीं किया जाता है तो दोस्तों मेरा दिमाग खोलता है, मैं बहुत खुशी होता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोविजन मुझे जानने को मिलती है और मैं ताकि एक अच्छे पैटर्न्स प्रैक्टिशनर लॉयर के साथ साथ आप लोगों को भी मैं चलते चलते सिखाता रहता हूँ, मैं खुद इससे ज्ञान अर्जित करता हूँ दोस्तों, और इससे बड़ा मेरा कोई चीज है नहीं। मैं बहुत शौकीन अपने लॉ पर हूँ, लॉ पर मैं ज्यादा शौक बनाता हूँ। तो ध्यान से सुने, संहिता के निम्न मामलों में पुनः वाद दाखिल करना वर्जित है। पुनः वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है कौन कौन से? आदेश 2 के अंतर्गत जो वादी अपने दावे संपूर्ण दावे उल्लेख नहीं किया गया वह शेष दावे के संबंध में वाद दाखिल नहीं कर सकता है। आज जहां आदेश 9 के तहत वादी वाद में चूक के कारण जिसमें डिफॉल्ट के कारण जो है उन्हें वाद नहीं दायर कर सकता है। जहां आदेश 22 नियम 9 के तहत वाद का पक्षकार मर गया हो मृत पक्षकार वैध पत्नी का अभिलेख के नाम दर्ज न होने पर वाद का उपशमन हो गया हो। आदेश 23 नियम 1 के तहत जहां वादी अपना वाद वापस ले लिया और न्यायालय पुनः वाद दाखिल करने की अनुमति नहीं दी हो। ठीक, आदेश 23 नियम 3(1) के तहत जहां समझौते की डिग्री पारित की गई हो। धारा 12 प्रकृति कैसी हो? धारा 12 की प्रकृति के समान जो वाद विवाद के पुनः संस्थित करने से रोकती है। दोस्तों मैं आज अपने वीडियो यहीं पर विराम लेता हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहें, कल बताऊंगा विदेशी निर्णय वाद संस्थित करने के स्थानीय। लेकिन इससे पहले मैं एक टॉपिक जो है रेस जुडिकेटा पर मैं आपको मेंस के पर्पज से बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है रेस जुडिकेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने दिमाग में बसा लीजिए।
ये ऐसे क्वेश्चन है जो जरूर मेंस और प्री में पूछे जाते हैं, इसे बहुत ध्यान से पढ़े, टेस्ट बुक का सहारा ले दोस्तों, टेस्ट बुक जो भी जहां भी संसाधन मिले उसे उपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।